केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर सिक्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे थे, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट से अमूमन बिलोंग करते हैं। इनके जो सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, और इस वजह से हम लोग इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग एक टोटली डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आयरन अलॉयज या फेरस अलॉयज, और इसके अलावा हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे और साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आयरन को हम लोग इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? आयरन आपका ग्रुप 8B से बिलोंग करता है, और 8B वो वाला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो फर्दर तीन ग्रुप्स के अंदर सब डिवाइडेड है। ठीक है, आपका पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा ग्रुप है ना 8B जिसके फर्दर तीन ग्रुप्स स्प्लिट हुए हैं। तो यहां पे उसपे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आयरन आता है, और आयरन का एटॉमिक नंबर आपके पास 26 है। ठीक है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर आपके पास 26 हो गया। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, अगर आप याद करो कि हम लोगों ने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, इंटरस्टिशियल अलॉयज और सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज। ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे एक ओवरव्यू है कि एक ट्रांजिशन मेटल, फॉर एग्जांपल ये जो आपको बड़े वाले डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये पर्पल कलर में, ठीक है, डार्क पर्पल या ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास आयरन के जो है ना Fe, ये आपके पास उसके एटम्स हैं, और ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर में, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई भी एक इंटरेस्ट, ये इंटरस्टिशियल होगा या सब्स्टिट्यूशनल होगा? क्या किसी एक, फॉर एग्जांपल इस ब्लैक वाले ने किसी पर्पल वाले की जगह ली हुई है, या ये दरमियान में फिट हुआ है? क्योंकि ये दरमियान में फिट हुआ है इनको हम इंटरस्टिशियल्स कहेंगे। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल कार्बन है इन दिस केस। ठीक है, और ये जो आपको पर्पल कलर में नजर आ रहा है ये आपके पास आयरन है। ठीक है, तो ये आपके पास एक आयरन प्लस कार्बन अलॉय है जिसमें इंटरस्टिशियली इंटरस्टिशियल अलॉय आप इसको कहोगे। ठीक है, अब आयरन के अंदर कार्बन ही क्यों डाला गया या पहले से क्यों था, इन बातों पे हम डिटेल में भी आगे जाएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, ये एक और पिक्चर के अंदर आप इसको डिटेल में देखो। यहां पे आप देखो कि ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ए वाला जो आपके पास नजर आ रहा है, ये आपके पास एक इंटरस्टिशियल कोई एटम है जो कि एक पूरे नेटवर्क के अंदर एक एक्स्ट्रा एटम आया हुआ है। अगर आप बी पे देखो तो यहाँ पे आपके पास एक एटम्स की लाइन आ रही है और वो आगे डिसकंटिन्यू हो गई है, और उसके आगे थोड़ी सी वैकेंसी आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक वैकेंसी प्रोड्यूस हुई है जिसकी वजह से नीचे की सारा बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे खराब हो गया। ऐसी हम लोग डिफेक्ट को, ये डिफेक्ट है बेसिकली, इसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलोकेशन। और ये जो ए पे आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल, एक टी आई मिसिंग है, इंटरस्टिशियल। ये जो आपको सी पे नजर आ रहा है ये वाला जो डिफेक्ट है, अगेन ये क्या है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा एटम है जो कि आउट हुआ हुआ है, मतलब बॉन्डिंग से बाहर निकला हुआ है, और यहाँ पे डी में आपके पास यहाँ पे एक कमी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये जो वाला डिफेक्ट है, सिर्फ अगर इस वाले की आप बात करो तो इसको हम वैकेंसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एटम की कमी है और यहाँ पे चूंकि एक एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो एक वैकेंसी और एक इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, इनको हम कहते हैं फ्रेंकल या फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, इसके बाद ई और एफ में आप देखो कि यहाँ पे आपके पास कोई डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली वही जगह ले ली है जहां पे ये व्हाइट वाले एटम्स की जगह थी। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे ये सब्स्टिट्यूशनल हैं, सब्स्टिट्यूशनल एटम्स। ठीक है, और जी पे अगेन आपके पास ये देखो एक लाइन आ रही है, वो अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो लाइन के डिसकंटिन्यू होने को हम कहते हैं डिसलोकेशन। तो जी में आपके पास ये जो जी नजर आ रहा है, अगेन ये आपके पास क्या है? डिसलोकेशन। और ये जो आपको H नजर आ रहा है, अगेन H वाले के अंदर एक आपके पास सब्स्टिट्यूशनल यहां पे एलिमेंट बन रहा है, सब्स्टिट्यूशनल
एटम आपके पास सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ये आपके पास इन जनरल एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कि असल में ये ऐसा होता है, कभी भी कोई परफेक्ट फॉर्म में क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अंदर बहुत सारे यूं डिफेक्ट्स होते हैं। अब होता ये है कि जब आप किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को प्रेस करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई लेट्स से आयरन का पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म का ये सारा आपके पास आयरन है। अब होता ही है जब आप इसको खींचने की कोशिश करते हो या प्रेस करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जांपल मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ एक यहां से और एक यहां से, मैं एफ न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। अब होगा ये कि इसके जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही होगा, ये एक दूसरे को ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे। आपके ख्याल में पहले ये वाली लेयर्स एक दूसरे के अक्रॉस स्लिप पास करेंगी या पहले डिफेक्ट्स हैं वहां पे पहले मोशन होगी। होता ये है कि जब आप यूं फोर्स लगाते हो ना, तो आपकी जो डिसलोकेशंस हैं, मसलन ये आपके पास एक डिसलोकेशन थी ना, कहां पे थी, एक यहां पे डिसलोकेशन थी, ये वाली आपकी डिसलोकेशन जो है आगे पास करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी डिसलोकेशंस स्टार्ट मूविंग, और जब डिसलोकेशंस या इस तरह का जो डिफेक्ट है ये आगे मूव करना शुरू हो जाता है, तो इस चीज को हम मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, डेफोर्मेशन। क्या कहते हैं? डेफोर्मेशन, या आप कह दो कि प्लास्टिक डेफोर्मेशन इसको हम कहते हैं, या परमानेंट डेफोर्मेशन हम इसको कहते हैं, कि एक दफा कोई डिसलोकेशन किसी दूसरी जगह पे चली गई तो फिर वो वहां पे वापस नहीं आएगी, ये परमानेंट डिसलोकेशन हो जाती है। अब आपको मैं पहले भी एक दफा पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है, स्ट्रेस यहां पे आ रहा होता है और स्ट्रेन आपके पास यहां पे आ रहा होता है। आपका ग्राफ पहले यूं ऊपर जाता है, फिजिक्स के अंदर देख चुके हो कि, फिर उसके बाद यूं जाता है और फिर आपके पास नीचे आ जाता है। यहां से यहां तक आपके पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं जो स्टार्टिंग में है आपके पास, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। इसके बाद ये आपका इलास्टिक लिमिट होती है। इसके बाद जहां तक ये ग्राफ मैक्सिमम ऊपर जाता है इसको हम कहते हैं यूटीएस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और आप इसको आरपी से भी रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद यहां पे आके आपका मटेरियल फ्रैक्चर कर जाता है, ठीक है। अब होता ये है कि जितनी आपके पास डिसलोकेशन ज्यादा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मसलन ये आपके पास एक डिसलोकेशन थी यहां पे, आपके पास एक डिसलोकेशन थी यहां पे, आपके पास इस तरह की जितनी डिसलोकेशन ज्यादा होती हैं उतना आपका मटेरियल जो है वो ज्यादा डक्टाइल होता है। उसका मतलब ये है कि ये यहां तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था ना, यहां से लेके जो यहां तक का हिस्सा है, मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, इस हिस्से के अंदर मटेरियल कितनी देर रहेगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी डिसलोकेशंस हैं। जितनी आपके डिसलोकेशंस ज्यादा होंगी उतनी वो आपके पास ज्यादा मूव करेंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिसलोकेशंस आपकी डक्टिलिटी को मेजर करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी ऐसे क्रिस्टल की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आयरन ही है, जो प्योर आयरन है जिसके अंदर कोई भी आपके पास इम्परफेक्शन या डिफेक्ट नहीं है, इस तरह का आयरन है, अगर मैं इस पे स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के अलोंग स्लिप पास नहीं कर सकते, जब तक इनके अंदर कोई ना कोई डिसलोकेशन या डिफेक्ट नहीं होगा ये मूव ही नहीं करेंगे। इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी कभी भी, लेंथ विल नॉट चेंज। आप जहां मर्जी से इसके ऊपर फोर्स लगा लो, जो मर्जी कर लो इसके साथ, ये आपके पास ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। और दुनिया में कभी भी आपके पास परफेक्ट क्रिस्टल्स एग्जिस्ट नहीं करते, हम हमेशा लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी परफेक्टली परफेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। अब डिसलोकेशन की एक तो बात हो गई, दूसरी आपके पास ये बात होती है कि जब आपके पास इस तरह के इंटरस्टिशियल आ जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक इंटरस्टिशियल है, तो ये जो इंटरस्टिशियल्स हैं ये डिसलोकेशंस को पास होने नहीं देते। अब होता ये है कि जब डिसलोकेशंस को पास होने नहीं देंगे तो ये आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पे अगर गौर करो, आप स्ट्रेस अप्लाई करते जाओगे स्ट्रेन अप्लाई होता जाएगा, स्ट्रेस अप्लाई करते जाओगे स्ट्रेन होता जाएगा, और ये ग्राफ सीधा ऊपर जाता जाएगा, फिर काफी बाद में जाने के बाद फिर ये ग्राफ यूं मूव करेगा पीछे की तरफ। यानी बेसिकली होगा ये कि आपके डिसलोकेशंस चूंकि मूव नहीं कर रही थी तो आप प्लास्टिक डेफॉर्मेशन की तरफ बहुत देर बाद गए, ठीक है। आपका जो
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है जितने आपके इंटरस्टिशियल जनरली ज्यादा होते हैं। ये आपके पास एक नॉर्मली एक ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर आप ये देखो कि डिसलोकेशन डेंसिटी, डिसलोकेशन डेंसिटी का मतलब ये है कि जितनी आपके पास डिसलोकेशन ज्यादा होंगी उससे होगा ये कि मटेरियल ज्यादा आपके पास स्ट्रांग होता जा रहा है। ये जो आर पी है आपके पास, ये क्या चीज है, ये आपके पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आपके पास जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आर पी यहां पे आपको गीगा पास्कल्स में शो हो रही है, ये आपकी बढ़ रही है जो जो आप क्या कर रहे हो कि डिसलोकेशन डेंसिटी को ज्यादा करते जा रहे हो। ऊपर की तरफ आप जा रहे हो ये ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल आप यहां की बात करो तो आपके डिसलोकेशन जो है वो 40 × 10^6 पर मीटर है, या 40 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 10^6 पर मीटर, यानी एक मीटर में इतनी डिसलोकेशंस हैं। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसी लिहाज से काफी ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह आपको यहां पे नजर आ रहा है कि आपकी जो कार्बन की परसेंटेज है इससे भी बहुत गहरा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले ग्राफ पे आप देखो, जो जो आप लेफ्ट से राइट साइड पे आ रहे हो आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होती जा रही है इन आयरन। तो जब आपकी आयरन के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती जा रही है तो आप देखो कि हार्डनेस की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। ये आपके पास एच वी का मतलब है, ये आपके पास विकर्स हार्डनेस है, ठीक है, विकर्स हार्डनेस। आपके पास हार्डनेस बहुत सी टाइप्स की होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिनल हार्डनेस होती है, विकर्स, रॉकवेल्स और भी बहुत सी होती हैं। ये आपके पास कौन सी है, विकर्स हार्डनेस है। बेसिकली डिपेंड करता है आप कौन सी डिवाइस से मेजर कर रहे हो, उस बेसिस पे हम लोगों ने इसको कैरेक्टराइज किया है। विकर्स हार्डनेस जो है आप देखो कि कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हो रही है। इसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि जितना कार्बन ज्यादा होगा उतना आपके पास क्या होगा, उतनी आपकी डिसलोकेशंस को पास करना मुश्किल होगा और उतनी आपकी जो हार्डनेस है वो ज्यादा होती जाएगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि इंटरस्टिशियल अलॉयज के अंदर इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आयरन के अंदर हम लोग कार्बन की इन जनरल बात करते हैं, वो उनकी डिसलोकेशंस को हैंडल करता है और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो जितना आपके पास कार्बन ज्यादा होगा आयरन के अंदर उतना आपका आयरन स्ट्रांग होगा, ठीक है। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कार्बन इन आयरन स्ट्रॉन्गर द आयरन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मैंने बताया। इसके बाद हम आते हैं कि आयरन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। आयरन जो है प्योर आयरन, आयरन, ठीक है, ये नॉर्मली तीन फॉर्म्स के अंदर हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहली फॉर्म होती है इसकी रॉट आयरन, ठीक है, रॉट आयरन। और फिर दूसरी मेजर फॉर्म होती है इसकी स्टील, और तीसरी मेजर फॉर्म होती है आयरन की कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन को हम लोग पिग आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूं कि ये रॉट आयरन और कास्ट आयरन में बेसिक डिफरेंस क्या है, रॉट वर्सेस कास्ट, ठीक है, क्योंकि ये यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में आपके पास क्या फर्क है। रॉट आयरन जो है ना, हम ऐसे आयरन को कहते हैं जिसके अंदर जो कार्बन का कंटेंट है ना वो 0.12 से लेके 0.25% होता है कार्बन, और बाकी आपके पास जो रह जाता है उसमें से ऑलमोस्ट 99%+ आपके पास क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। और बाकी आपके पास कुछ आपके पास सल्फर होता है, बहुत कम अमाउंट होती है, 0.2 से 0.15%, ये 0.02 से 0.15%, ठीक है। और इसी तरह आपके पास थोड़ी सी मैंगनीज और फास्फोरस की, बहुत ही कम, यानी बेसिकली सारा का सारा आयरन ही होता है, बहुत कम अमाउंट उसमें दूसरी इस कार्बन की, सल्फर की, मैंगनीज की और फास्फोरस की होती है, ठीक है। इससे अब होता यह है कि आपकी स्ट्रेंथ की अगर आप बात करो तो स्ट्रेंथ वाइज आपका जो रॉट आयरन होता है, अगर कास्ट आयरन की बात करो तो कास्ट आयरन में आपके पास जो आयरन होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, आपके पास जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी 0.25 की बजाय 2.5 से लेके 4.5% तक इसमें कार्बन होता है। इसके बाद कास्ट आयरन में आपके पास अगर आयरन की बात करो तो वो ऑलमोस्ट 95% के लगभग होता है, 95%+ आप कह लो, ठीक है। तो अब चूंकि इसमें कार्बन की आयरन परसेंटेज कम है और कार्बन ज्यादा है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, कास्ट आयरन जो है वो हार्ड होगा और आपके पास स्ट्रांग होगा,
ठीक है, हार्ड होगा और स्ट्रांग होगा। साथ में अब आपको एक और चीज ये भी बता दूं कि आपको जो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ शो किया था, अगर आप फर्स्ट चैप्टर से ये लेक्चर्स ले रहे हो तो आपको मैंने उसमें ये चीज बताई थी कि आपका जितना स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऊपर होता है उतना आपका मटीरियल ज्यादा ब्रिटल होता जाता है। ठीक है, ये जितना ऊपर जाता जा रहा है ये ब्रेक फिर जल्दी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत ऊपर जाता है और उसके बाद फिर जल्दी ब्रेक हो जाता है, और जितना आपके पास नीचे है यहाँ आपके पास अमूमन आपके पास डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये कास्ट आयरन है आपके पास ये ब्रिटल होता है, इसका मतलब है ये स्ट्रांग तो बहुत होता है लेकिन ये फौरन टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से मटीरियल हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन टूट जाते हैं? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास ग्लास। ग्लास जो है बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन एट द सेम टाइम ये टूट बहुत जल्दी जाता है। ठीक है, ग्लास स्ट्रांग बहुत होता है लेकिन ये टूट जाता है। रॉट आयरन जो है ये सॉफ्ट होता है निस्बतन, ठीक है, और ये ज्यादा डक्टाइल होता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज ये है, कास्ट का लफ्जी मतलब क्या होता है? अगर आप देखो कास्ट का मतलब होता है थ्रो करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कास्ट अ शेडो, कास्ट एन इमेज, इनको हम कास्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, कास्ट इनटू शेप्स। ठीक है, यानी आप हाई टेम्परेचर के ऊपर ये कर सकते हो कि इसको मुख्तलिफ शेप्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कास्ट इनटू शेप्स के अंदर आप कर सकते हो। और इसको अंदर, इसके अंदर रॉट आयरन चूंकि इसके अंदर कम है इसकी अमाउंट, तो बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर डेफोमेशन ज्यादा हो जाती है, तो इसके अंदर बेसिकली डेफोमेशन हो सकती है और इसके अंदर डेफोमेशन बहुत देर बाद होती है कास्ट आयरन के अंदर। ठीक है, तो आप यूं कह लो कि रॉट आयरन इज अमेनेबल टू डेफोमेशन। ठीक है, या इसके अंदर डेफोमेशन बहुत इजिली हो जाती है, और आपके पास जो कास्ट आयरन है इसको आप डेफॉर्म नहीं कर सकते डायरेक्टली, बल्कि आप ये कर सकते हो कि इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाते हो और फिर हाई टेम्परेचर पे इसको मुख्तलिफ शेप्स के अंदर कास्ट करते हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो चीज है रॉट आयरन की, मैं आपको बता दूं रॉट आयरन की आपको परफेक्ट एग्जाम्पल, ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये आपको नजर आ रहा है आईफिल टॉवर, आईफिल टॉवर। ठीक है, आईफिल टॉवर टोटली रॉट आयरन का बना हुआ है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? रॉट आयरन है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल भी आ गई। इसके बाद अब हम चलते हैं, ये जो स्टील था सेकेंड टाइप आपके पास क्या थी? स्टील। स्टील के अंदर आपके पास ये होता है कि स्टील बेसिकली एक अलॉय का नाम है, आयरन कार्बन अलॉय को हम बेसिकली स्टील कहते हैं। ठीक है, फिर स्टील में फर्दर बहुत सी टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमारा जो आज का दूसरा डिस्कशन का टॉपिक था वो था मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन। अब रॉट आयरन चूंकि आप देख चुके हो कि इसके अंदर जो कार्बन कॉन्टेंट है वो सबसे कम होता है, या आयरन आप कह लो कि सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब होता यह है कि इसको हम कहते हैं कि ये सबसे प्योर फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं उनके अंदर ये सबसे प्योर होता है। तो अब हम देखेंगे इसको मैन्युफैक्चर करने के मुख्तलिफ तरीकों में से एक तरीका जो कि क्या है, यूजिंग रेवर्बरेटरी या पडलिंग फर्नेस। ठीक है, अब ये पडलिंग फर्नेस या रेवर्बरेटरी फर्नेस क्या होता है? ये फर्नेस इसको कहते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये आपके पास पुडलिंग फर्नेस है। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? ये रेवर्बरेटरी फर्नेस भी इसको कहते हैं, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि आप देखो ये आपके पास इन दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, यहां से लेफ्ट साइड पे आपके पास होता है फायर बॉक्स, राइट साइड पे आपके पास दरम्यान में मिडिल में होता है हार्ट या इसको आप चूल्हा कह लो, और इससे इस साइड पे आपके पास फ्लू है, यहां से आपके पास जो गैसेस है वो बाहर निकल रही होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे अगर आप फायर बॉक्स पे गौर करो, ये आपके पास वो सेक्शन है जहां पे आपके पास ये नीचे पड़ा हुआ है कोल, आप कोल को बर्न करते हो और कोल को बर्न करते हो तो यहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। ये जो हाई टेम्परेचर पे गैसेस होती है ना, हॉट गैसेस, ये हॉट गैसेस इस साइड पे पास होना शुरू करती है, और रेवर्बरेटरी फर्नेस की स्पेशलिटी ये है कि ये यू आपके पास रिफ्लेक्ट बैक करता है हॉट एयर को, और ये जो हॉट एयर होती है एट वेरी हाई टेम्परेचर ये बेसिकली मेल्ट करती है। यहां पे ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला हिस्सा, मैं इसको डिफरेंट कलर से रख देता हूं, ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास ओर होता है, ये आपके पास क्या है? आयरन ओर, और नॉर्मली हम इसमें हेमाटाइट यूज करते हैं, हेमाटाइट इन द फॉर्म ऑफ
सॉरी हेमाटाइट हम लोग नॉर्मली यहां पे यूज करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, ये बेसिकली किस काम के लिए यूज होता है, ये आपको कन्वर्ट कर देता है कास्ट आयरन को रॉट आयरन के अंदर, ठीक है। हमने पहले देख लिया कास्ट आयरन और रॉट आयरन की स्पेशलिटीज, हम थोड़ी सी देख चुके हैं। कास्ट आयरन जो है ना, इसके अंदर हमने देखा कि इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इसका जो अपना मेल्टिंग टेम्परेचर है ना, वो तकरीबन बहुत रिड्यूस हो चुका होता है। 1150 से 1300 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। इसका मतलब है कि जब आप इसको मेल्ट करने की कोशिश करते हो फायर बॉक्स से, तो ये जो आपका हेमेटाइट है ये फौरन मेल्ट कर जाता है, ठीक है। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, ठीक है। तो हम नॉर्मली हेमाटाइट यूज करते हैं। हेमाटाइट जो है ये बर्न कर जाता है, इससे आयरन सेपरेट होता है, वो आयरन इन द फॉर्म ऑफ कास्ट आयरन होता है, ठीक है। हम साथ साथ यहाँ पे इसके मुख्तलिफ रिएक्शंस भी देखते जाते हैं कि रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं। आपके पास आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, उनमें सबसे पहली इम्प्योरिटी तो आपके पास क्या थी, कार्बन, ठीक है। अब जो कार्बन है वो कैसे निकलेगा आयरन के अंदर से, आपने हेमाटाइट नीचे सप्लाई किया हुआ है ना, मैंने कहा था कि नीचे आपके पास हेमाटाइट पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे ये आपके पास हेमाटाइट पड़ा हुआ है सारा, और हेमाटाइट अब बहुत ज्यादा हॉट गैसेस की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो हेमाटाइट मेल्ट होगा वो कार्बन उसको रिड्यूस कर देगा। कार्बन क्या है, एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन रिड्यूस करके उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और साथ आपके पास आयरन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आयरन प्रोड्यूस होगा, यहां से प्रोड्यूस हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोड्यूस हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वोलेटाइल गैस है, तो ये फौरन उधर बाहर से इवेपोरेट हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाए को वोलेटाइल कहते हैं, यानी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं फौरन ये। इसके बाद आपके पास सल्फर होता है एज एन इंप्योरिटी। सल्फर कैसे रिमूव होगा, ये भी हेमाटाइट लाइनिंग के साथ एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट करेगा। सल्फर का सल्फर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, सल्फर कैसे ऑक्सीडाइज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड के बाद अगेन यहाँ पे आपके पास आयरन सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो बाकी कंपाउंड्स हैं, आपके पास सिलिकॉन, इसी तरह इंप्योरिटी है, सिलिकॉन भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, और वो आपके पास क्या बनेगा, सिलिकॉन का ऑक्साइड बना देगा। सिलिकॉन का ऑक्साइड क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम सिलिका कहते हैं, और इसी तरह आयरन आपके पास अलग होता जाएगा। तो बेसिकली इस प्रोसेस में आप देखो कि आयरन आपके पास सेपरेट आउट होता जा रहा है और ये प्योर फॉर्म में है। इसके बाद आपके पास फोर्थ जो है वो मैंगनीज है एज एन इंप्योरिटी। मैंगनीज का जो ऑक्साइड बनता है वो आपके पास क्या बनता है, मैंगनीज ऑक्साइड MnO, ठीक है। और मैंगनीज डायरेक्ट आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाता है इस तरह। बाकी जो तीन है वो ऑक्सीजन हेमाटाइट से लेते हैं, और ये जो मैंगनीज है ये डायरेक्ट आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब आपके पास देखो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये दोनों क्या है, ये आपकी वोलेटाइल गैसेज है। वोलेटाइल गैसेस का मतलब ये हो गया कि ये दोनों तो फौरन इवेपोरेट कर जाएंगी, इस पूरे के अंदर से निकल जाएंगी फौरन। ये जो आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बच के आना, ये दोनों क्या करेंगे, मैंगनीज ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में रिएक्ट करके मैंगनीज सिलिकेट बना देंगे, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, जो कि डिजोल्व नहीं होगा बाकी के अंदर, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा, इसको हम स्लैग कहते हैं, ठीक है। ये चूंकि मिक्स नहीं होता सोल्यूशन के अंदर, इसी तरह जिस तरह मैंगनीज ने ऑक्साइड बनाया था, मैंगनीज ऑक्साइड फास्फोरस ऑक्साइड बनाएगा आपके पास, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। फास्फोरस की यहाँ पे वैलेंसी 5 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो ये P2O5 आपके पास बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो हेमाटाइट था, हेमाटाइट लाइनिंग के अंदर से कुछ पार्ट आपके पास इस फास्फोरस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फेरिक फॉस्फेट बना देगा। फेरिक इस वजह से बिकॉज आयरन यहाँ पे +3 है, फॉस्फेट -3 होता है, आपके पास -3 +3 कट जाएंगे, तो आपके पास FePO4 फेरिक फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। और आपके पास फेरिक फॉस्फेट अगेन जो है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है, स्लैग हो जाए, और हम इसको बाद में रिमूव करते हैं। इन सारे रिएक्शंस के बाद होता ये है कि आपके पास चूंकि इंप्योरिटीज सारी के सारे रिमूव हो गई हैं, तो इंप्योरिटीज कम होने की वजह से जो आपके पास आयरन बच जाता है ना, देखो यहां से आपके पास ये आपके पास पुडलिंग फर्नेस था, आपके पास जो आयरन बच जाता है वो आयरन जो होता है ना, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, पहले मैंने कहा था कास्ट आयरन था, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 1150 से 1300 डिग्री सेल्सियस था। अब आपके पास जो आपने ऑब्टेन किया है वो रॉट आयरन है, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। रॉट आयरन जो आपने प्रिपेयर किया है, इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 1550 के लगभग है, ठीक है। तो अब चूंकि जो आपने टेम्परेचर दिया हुआ वो 1550 से थोड़ा सा कम है, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, फाइनल
प्रोडक्ट वो आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, वो अब लिक्विड नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर है वो हाई हो चुका है और आप जो टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हो वो उससे कम है कंपैरेटिवली, ठीक है, तो वो टोटली मेल्ट नहीं होगा, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किया कि कार्बन आयरन के अंदर क्या अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने आयरन की दो टाइप्स देखी है, रॉट आयरन और कास्ट आयरन, उनके हम लोगों ने आपस में डिफरेंसेस देखे, ठीक है, रॉट आयरन और कास्ट आयरन के आपस में डिफरेंसेस देखने के बाद हम लोगों ने फिर स्टील को डिस्कस किया। स्टील को हम डिटेल के अंदर वैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि स्टील क्या होता है और स्टील की फर्दर क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग देखी रॉट आयरन की कास्ट आयरन के थ्रू, ठीक है, हमने कास्ट आयरन से रॉट आयरन प्रोड्यूस किया यूजिंग पुडलिंग फर्नेस हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। पुडलिंग फर्नेस के अंदर बेसिकली आपके पास जो इंप्योरिटीज थी वो सारी की सारी ऑक्सीडाइज हो गई, और इंप्योरिटीज जब सारी ऑक्सीडाइज हो गई एट हाई टेम्परेचर तो आपके पास प्योर फॉर्म में आयरन पीछे बच गया, ठीक है, और जो आपका स्लैग हुआ वो हम लोगों ने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टील को डिस्कस करेंगे और स्टील के क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि स्टील कैसे उसको हम क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा फिर हम स्टील के अंदर देखेंगे कि मुख्तलिफ इसके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर एक ओपन हार्थ प्रोसेस होता है और दूसरा आपके पास बेसमर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।